ना आएगी, ले जाओ अंदर से निकालो। हाँ निकाल लो। ये भाई सारी पैकिंग वगैरह मैंने डन कर दी है, सारा पैकिंग वगैरह हो गया है, तो भाई अब निकलने का टाइम है। सो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछला वीडियो आपने देखा होगा, टंगनाथ का ट्रैक किया था हमने और बहुत खतरनाक था, बोले तो बहुत थकाने वाला था। तो अब अपन जा रहे हैं सोनमर्ग, सोनमर्ग कह रहा हूँ, सोनप्रयाग केदारनाथ ट्रैक के लिए। सेकेंड डेस्टिनेशन वही है। तो यहाँ से कुछ 80 किलोमीटर के आसपास है, तो पहले कुछ खाते हैं और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। और काफ़ी अच्छी जगह है चोपटा, बट ये है कि यहाँ पे लाइट वाइट कुछ नहीं मिलेगा। ये रूम भी हमें 2800 रुपये का मिला, बताओ सोचो कितना एक्सपेंसिव है यहाँ पर। यानी रहने लायक जगह कम ही है यहाँ पर, और होटल्स तो मुश्किल ही मिलेंगे तुम्हें। तो टाइम से आ जाओगे तो होटल मिल जाएंगे, नहीं तो फिर तुम्हें कहीं पर भी जुगाड़ करना पड़ेगा, कहने का मतलब है। चलो चलते हैं, हमने तो कर लिया जुगाड़ और सब ने अपनी अपनी पैकिंग कर ली है। चलो निकालते हैं इसको। बाकी कल एक सीन हो गया था, जो यहाँ पर चार्जर मैंने लगवाया था वो पंप चलाते टाइम पे उसकी जो वायर होती है ना वो जल गई, ओवरलोड की वजह से। उसकी वायर बहुत हल्की थी, तो कॉपी था, चाइनीज़ था, कहने का मतलब है क्वालिटी नहीं थी उसके अंदर, ख़राब ही हो गया वो, किसी काम का ही नहीं। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने रख लिया उसको, बाकी अब देखते हैं क्या करते हैं, कुछ अच्छा सा लगवाएंगे। अच्छा हुआ कि इंटरनल वायरिंग में शॉर्ट नहीं हुआ, सिर्फ वायर वायर जला था। सो गाइस फाइनली अपन निकल गए हैं टंगनाथ से केदारनाथ की तरफ को, और काफ़ी सही रहा एक्सपीरियंस। बस ये है कि हम जल्दी उठे हुए हैं ना, तो थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, तो एक रात अच्छे से सो लेंगे ना तो दिक्कत नहीं होगी, है नी। अब कैमरे में तेरी भी आवाज़ आएगी, पता है तेरे को। हाँ मैंने स्पीकर की तरफ को कर दिया माइक, अब बातें कर। बढ़िया बढ़िया ठीक है ओके। जब ही तो होटल भर चुके थे, तो 400-500 रुपए से ज्यादा का रूम थोड़ी है, 200 रुपए का भी नहीं है वो। ऐसे ही तो कमाएंगे यार वो लोग भी, 6 महीने कमाते, 6 महीने बैठे रहते हैं, 6 महीने फिर दिल्ली आ जाते हैं। पेट्रोल खत्म है, तो पेट्रोल बचाने के लिए गाड़ी बंद करके हम ऐसे ही चला रहे हैं, ऐसी लग रही है गाड़ी ऐसे। ठीक है बहुत धीरे चल रही है, कोई बात नहीं, हमें कौन सा जल्दी है। बिना पेट्रोल के अपन नीचे तो आ गए, पेट्रोल पंप ढूंढना है। रिवर साइड आ गई है, अरे बहुत है भाई यहाँ पर सच में। बाकी यहाँ पे डैम भी है, और अपने को पुल पार करके उस रोड पर जाना है केदारनाथ के लिए। नींद आ रही यार क्या बोले, रात के 2 बजे के उठे हुए हैं, सो नहीं पाए ढंग से, जाकर सोऊंगा रूम लेकर। पेट्रोल आएगा मेरे हिसाब से 1100 का। देखियो वो बुलडोजर पलट गया वहाँ पे, देख ट्रक भी पलटा हुआ है। हाँ। ये देख, ये पता है वो आपदा वाले उस सीन का वो नतीजा है। आपदा कौन सी? जब आपदा आई थी ना, 2013 में बाढ़ आई थी यहाँ पे। अच्छा तब अभी तक ठीक नहीं हुई, ये सब ठीक नहीं हुए? नहीं ये सब बह गया था उस टाइम पे। तो भाई ये जो आपदा वगैरह आई थी, देखो ट्रक वगैरह अभी भी वैसे के वैसे पड़े हुए हैं यहाँ पर, सारा पानी ये पूरा डूब चुका था इस टाइम पे वहाँ पर, वो देखो ये सारा कुछ डूब चुका था। ये पुल नहीं डूबा था? पुल भी डूब गया था पूरा। टूटा नहीं मतलब ये? नहीं टूटा नहीं, वो देखना दूसरा पुल बना रहे हैं, कमजोर हो गया। ओ वाह वाटर क्रॉसिंग ना आएगी, ले जाओ अंदर से निकालो। हाँ निकाल लो। ये मजे ले लिए, मजा आ गया। पानी गिरा मुंह पे कितना? हेलमेट के पहले ढक्कन खोल रखा था, ढक्कन हेलमेट का ढक्कन होता है वाइजर। अब वो एक पीली साड़ी में एक औरत। हाँ पीली साड़ी में एक औरत। अच्छा नहीं कुछ और है वो, साड़ी में नहीं और है वो, भूत नहीं है वो, भूत नहीं। तो गाइस यहाँ से सोनप्रयाग भी आ गया कुछ 10 किलोमीटर। रोड कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है, क्या ही बोले, बीच बीच में बना तो रहे हैं, वैसे काम चल रहा है लेकिन अभी तक बनाया नहीं। ऐसे तो हम लोग निकल ही नहीं पाएंगे। हाँ उड़ा दी बाइक उसने, वो देखो पूरे गीली हो गई हमारी बाइक। मैं तेरे को भिगा देता तो क्या होता, तो कुछ नहीं होता, दूसरे को पहन लेती मैं। ओके
तेरी नींद उड़ जाती, तेरा हेलमेट का वाइजर गीला हो गया। ओके सो गुड मॉर्निंग गाइस। अरे तो अभी जस्ट हम आए थे केदारनाथ, कल की वीडियो एंड नहीं कर पाया था, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कल आज यानी हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे, वो ना आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। हम थोड़ा लेट हो गए हैं, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी चलते हैं। और बाकी नज़ारे यहाँ के कुछ ऐसे हैं, और हेलीकॉप्टर की आवाज़ें आ ही रही हैं जब से। केदारनाथ धाम यात्रा में आपका स्वागत है भाई साहब। झरना देखो, साढ़े तीन किलोमीटर डाय। और एक चीज़ गाइस, यहाँ पर हर चीज़ आपको डबल रेट पे मिलेगी। ये 20 रुपए की बोतल है, 20-22 रुपए की, ये आपको 40 रुपए की।